assertion. At low temperature, particles of matter occupy fixed position and exist in solid state. ठीक है. Reason. Under given set of condition, temperature and pressure and the state of the substance depend upon the net effect of thermal energy and intermolecular forces. अगेन आई रिपीटिंग बेटे, देखो असर्शन है टेम्परेचर पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ठीक है. अब रीजन दे रहे हैं कि अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो भी कंडीशन गिवन है आपको टेम्परेचर और प्रेशर की, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन नेट इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, नेट इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ये असर्शन भी बिल्कुल ठीक है और रीजन भी असर्शन ठीक है. एनर्जी थर्मल वाली लोअर. नेक्स्ट इज क्वार्ट्ज ग्लास इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्वार्ट्ज इज अ अमॉर्फस सॉलिड. ठीक है. रीजन सुनो, क्वार्ट्ज ग्लास हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. अगेन असर्शन, असर्शन में ये कह रहे हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्वार्ट्स है वो है अमॉर्फस. और रीजन दे रहे हैं इसका जी, क्योंकि क्वार्ट्स ग्लास में लॉन्ग रेंज ऑर्डर. दोनों ही गलत है बेटे. क्वार्ट्ज ग्लास होता अमॉर्फस है, ठीक है, और क्वार्ट्ज जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन. अब जो क्रिस्टलाइन चीज है उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जो अमॉर्फस है तो उसका तो होता ही शॉर्ट रेंज. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है, कि जो ऑर्डर बारी बारी रिपीट होता जाए, वो रिपीट तो क्रिस्टलाइन में होता है. शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है कि एक चीज मान लो लॉन्ग रेंज ऑर्डर ही है, ये रिपीट हो रहा है, ये हेक्सागन बारी बारी रिपीट हो रहा है, दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज है कि यहाँ पे हेक्सागन है, यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मीन्स एक चीज थोड़े टाइम के लिए रिपीट होती है, फिर थोड़ी देर बाद के बाद आती, दैट इज शॉर्ट रेंज. नेक्स्ट असर्शन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर. ये हमने शायद किया भी. रीजन, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर एंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. हाँ तो मगर रीजन ठीक है बेटे, रीजन इसका ठीक नहीं है. रीजन एज अ स्टेटमेंट ठीक है, कि ये कह रहे हैं असर्शन में कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं.
डायमंड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रीजन हमें बता रहे हैं कि ग्रेफाइट एक सॉफ्ट नेचर का है और डायमंड जो है हार्ड एंड ब्रिटल है, ये रॉन्ग है। मतलब एज ए रीजन तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मगर अगर रीजन माना जाए तो रीजन आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से दोगे कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और डायमंड में नहीं है, तो आपका रीजन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होना चाहिए रैदर देन रीजन में ये हो कि ये सॉफ्ट है और ये हार्ड और ब्रिटल है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन, ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडो डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। बिल्कुल सही है, जो ओल्ड बिल्डिंग है उनके ग्लास पेन्स जो हैं वो थिक हो जाते हैं बॉटम पे और थिन है हमारे ऊपर। रीजन दे रहे हैं जी, ग्लास इज अ सीडो सॉलिड और अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ग्लास है वो सीडो सॉलिड की तरह बिहेव करता है और वो नीचे बह के चला जाता है। मतलब सेशन भी ठीक है हमारी और रीजन भी ठीक है। नेक्स्ट, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एन आइसोट्रॉपी कौन शो करता है, सेम होती है फिर। सेशन बिल्कुल सही है बेटे, दे आर सेइंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉलिड, डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन हमें दे रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपी नेचर, एन आइसोट्रॉपी। रीजन इनकी बिल्कुल रॉन्ग है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट असर्शन, कोवलेंट क्रिस्टल हैव ग्रेटर हैव जनरली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट क्रिस्टल्स हैव जनरली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों ठीक क्यों लग रहा है। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल सही है। डायमंड की एग्जाम्पल से आप बिल्कुल सही कह सकते हो। नेक्स्ट रीजन देखो, कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द आयनिक बॉन्ड। मतलब असर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज अ फॉल्स। नेक्स्ट असर्शन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। बिल्कुल सही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपी। रीजन दे रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज आयनिक सॉलिड। रीजन तो बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड has higher melting point than sodium chloride. SiC is have high melting point than NaCl. SiC.
हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑफलाइन वन. क्यों, SIC इतना बड़ा नेटवर्क बना लेता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट इवन NaCl से भी ज्यादा हो जाता है. जैसे डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इन द सेम वे सिलिकॉन कार्बाइड भी एक नेटवर्क सॉलिड है, ये भी एक कोवलेंट सॉलिड है, जिसके कारण ये नेटवर्क बनाने के कारण इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है सोडियम क्लोराइड से. तो सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, लिख के रख लो अगर ऐसा कुछ आए SiC, कि जिसकी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू NaCl ड्यू टू द कोवलेंट नेटवर्क बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं वैसे, मगर जैसे डायमंड एक्सेप्शन है, सेम एक्सेप्शन इसके साथ है. रीजन बोल रहे हैं बेटे, सिलिका कार्बाइड है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, जो दो कैटाइन और एनाइन में, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. या हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है इनमें, सिंपल है कोवलेंट बॉन्ड ही, पर वो नेटवर्क बनने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है. मगर रीजन रॉन्ग है कि सिलिका कार्बाइड है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ आयनिक में होती है, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, या मेटैलिक में कह दें उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जिनमें चार्ज स्पीशीज है, इनमें चार्ज तो है ही नहीं. नेक्स्ट, फेस सेंटर क्यूबिक सेल हैज फोर एटम्स पर यूनिट सेल. बिल्कुल सही है. रीजन, इन FCC यूनिट सेल देयर आर 8 एटम एट द कॉर्नर्स एंड 6 एटम एट द फेस. असर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है हमारी. नेक्स्ट, अ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय अ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स. क्यों बेटे, सराउंड किससे होती है? बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है. ये होती है टेट्रा, ये वॉइड है, मान लो ये कार्बन है, कार्बन टेट्राहाइड्रली कैसे अरेंज है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है. एक टेट्राहाइड्रल वॉइड एट ए टाइम 4 एटम से सराउंडेड होती है, बिल्कुल सही है. और जो ऑक्टाहाइड्रल कैसे ज्योमेट्री करते थे SF6 की, तो सल्फर किससे सराउंडेड है, 6 फ्लोरीन से सराउंडेड नहीं है, वैसे ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है एट ए टाइम 6 से, जैसे ये और ये और ये 3 एटम नीचे हो जाते हैं, ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बन जाती है, और 3 ही ऊपर आ जाते हैं इसके ऐसे. अब इसको इसको तीनों को पकड़ के ऐसे खींच दो, 3 नीचे 3 ऊपर, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल. तो सोशन तो बिल्कुल सही है बेटे, टेट्राहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स.
नाउ रीजन दे रहे हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल द नंबर ऑफ द क्लोज पैक स्फीयर्स एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज स्फीयर्स। अगेन आई रिपीटिंग, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कहते जी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो डबल हैं जितने आपके क्लोज पैक स्फीयर्स हैं, मतलब जितने आपके उस यूनिट सेल में एटम हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो इक्वल टू है नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स। रीजन सही है, मगर रीजन इसकी नहीं, हम ये कह सकते हैं इसकी रीजन तो होती है बताते हैं कि हाँ तीन नीचे एटम है एक ऊपर है तो ट्राइडल वर्ड है या वाइस वर्सा, सेम फॉर द ऑक्टाइडल वर्ड एस एक्सप्लेन करेगा। नहीं है, क्योंकि अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड है तो हम ये कहेंगे कि टेट्राहाइड्रल वॉइड इसलिए वॉइड है क्योंकि एट ए टाइम वो चार स्फीयर से एज ए टेट्राहाइड्रोन बन के सराउंडेड है। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है कि वो वॉइड एक ऑक्टाहाइड्रोन की सेंट्रल पॉइंट बनती है, तीन ऊपर आते हैं तीन नीचे आते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट ऑक्टाहाइड्रोन का बनता है। ये तो बता रहे हैं कितनी होती है, रीजन इसका नहीं है मगर रीजन एज ए स्टेटमेंट ठीक है। सीजियम क्लोराइड हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, अभी ये तो डेप्थ में पढ़ोगे तभी आएगा। बिल्कुल सही है बेटे, एक बॉडी में पड़ा होता है बाकी चार कॉर्नर्स पे पड़े होते हैं, मतलब एक सीजियम जो है वो मान लो कि आपको कॉर्नर्स पे पड़ा है और जो क्लोरीन है वो सेंटर में, तो कैसे बनेगा, तो चार कॉर्नर पे हो जाएंगे और बीच में एक हो जाएगा, तो बॉडी सेंटर होता है। अब सीजियम क्लोराइड हैज वन सीजियम आयन एंड एट क्लोरीन आयन इन अ यूनिट सेल, सीजियम छोटा ना वो बीच में पड़ा होगा, सीजियम इज अ कैटायन। अब ये कह रहे हैं कि रीजन है जिस सीजियम जो है बेटे वो एक है और क्लोरीन आठ है, नहीं क्लोरीन का 1/8 का शेयर हो जाएगा तो क्लोरीन भी एक ही रह जाएगा, देखो ऐसे होगा। यहाँ पे सीजियम है बॉडी सेंटर पे, यहाँ पे क्लोरीन है, ये बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी होंगे बॉडी सेंटर में, हम यही कहते हैं कॉर्नर्स पे और बॉडी पे। अब कह रहे हैं जी एक ये और आठ नहीं, ये आठ थोड़ी ना, ये 1/8 का शेयर होते हैं, अगर एक ही है तो ये भी एक ही है, समझ आ रही है। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज वन, बिल्कुल सही है। रीजन दे रहे हैं जी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स एट द कॉर्नर्स ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन एट एडजेसेंट यूनिट सेल, बिल्कुल सही है कि सिंपल यूनिट सेल में एट एट एटम्स होते हैं कॉर्नर पे और हर एक एटम आठ यूनिट सेल से शेयर होता है। नेक्स्ट बेटे द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर एफसीसी, बिल्कुल सही है, पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम है। रीजन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी, 12 ही होता, मगर रीजन इसका नहीं है करेक्ट, रीजन इसका नहीं है।
ठीक है, रीजन इसका नहीं है करेक्ट, ओके क्यों? क्योंकि हमें ये बताया जाता अगर कि पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम है इसलिए क्योंकि इसमें फोर एटम है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, 74% मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल ऑक्यूपाई कर रही है। मगर ये हम बता रहे हैं कि एट ए टाइम एक एटम को दूसरे कितने एटम्स राउंड करने, वो कोई रीजन इसका तो नहीं बना। मगर हाँ, रीजन एज ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ठीक है। हाँ बेटे, आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करने पड़ने सारे। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूड्स द वन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इज 4। ये पहले भी हम कर चुके हैं, क्या हुआ जो पहले मैंने करवाए थे सेशन रीजन, चलो नहीं किया फिर सुन दोबारा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग वन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर इज 4। कितनी होगी? कहते जी 4 हैं पूरी एक बॉडी सेंटर में और जो बाकी मिला के ये 4 बनती है। बिल्कुल सही है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतनी ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है। रीजन सुनो, बिसाइड द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के अलावा देयर इज वन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच 6 फेस ऑफ द यूनिट सेल एंड ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बाई 2 एडजेसेंट यूनिट सेल। कहते जी बॉडी सेंटर के अलावा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट है? फेसिस पे, इस पे? यस, तो रीजन रॉन्ग है। अगर ये करवाया था ना तो फेसिस पे नहीं होती, ये एजिस पे होती है और एजिस का भी शेयर उतना ही होता है। तो कितनी एजिस होती है? 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3, तो 3 इसकी एजिस की और 1 बॉडी सेंटर का। नेक्स्ट, इन अ क्लोज पैकिंग स्फीयर टेट्राहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। बिल्कुल सही है, रीजन सुनो, टेट्राहाइड्रल वॉइड हैज अ टेट्राहाइड्रॉन शेप व्हाइल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हैज ऑक्टाहाइड्रॉन शेप। रीजन क्यों सही है? छह थोड़ी ना होती है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की, वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनाई है, क्या उसकी ऑक्टाहाइड्रल जैसी शेप है? वॉइड की नहीं है, वो सेंट्रल ऑफ ऑक्टाहाइड्रॉन ऑक्यूपाई कर रही है। इन द सेम वे वो ये टेट्राहाइड्रल वॉइड सेंटर ऑफ टेट्राहाइड्रॉन ऑक्यूपाई कर रही है, इसकी शेप तो वैसे ही रहेगी, इसकी शेप थोड़ी ना टेट्राहाइड्रल बन जाएगी। हाँ, रीजन रॉन्ग है इसका। नेक्स्ट, इन अ क्रिस्टल द साइज ऑफ केटाइन इज लार्जर इन द ऑक्टाहाइड्रल होल एंड दैट इन एन टेट्राहाइड्रल होल। एक केटाइन है, देखो बेटे ये आप बात समझो पहले इसकी, जब एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है दो टाइप के एटम इन्वॉल्व होते हैं, वॉइड में छोटा एटम चला जाता है और बड़ा एटम बाकी चीज ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है
क्या था, साइज ऑफ केटाइन इज लार्जर देन ऑक्टाहेड्रल होल एंड देन द टेट्राहेड्रल होल. होल कौन सा छोटा है? टेट्राहेड्रल. बड़ा कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल. तो बट ऑब्वियस है, जो टेट्राहेड्रल होल अगर छोटा है तो इसमें केटाइन छोटा ही आएगा. अगर बड़ा ऑक्टाहेड्रल होल है तो उसमें केटाइन बड़ा ही उसमें एडजस्ट होगा. वाइड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ नहीं आता. वाइड का मतलब ये होता है इसमें कुछ और, जैसे मैंने एक फुटबॉल की ऐसे लेयरिंग करी तो उसमें वाइड रहेगी, मगर उस वाइड में टेनिस बॉल आ सकती है. उन खाली स्पेसेस पे टेनिस बॉल आ सकती है. मेन फुटबॉल ने तो अपनी जगह घेर ली घेर ली. जो एम्प्टी स्पेस बसी से वाइड कह देते हैं. अब वाइड में भी कुछ आ ही सकते हैं. तो जितनी बड़ी वाइड होगी उतना बड़ा कैटाइन आएगा. अब रीजन जो दे रहे हैं हमें, कैटाइन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एटम इन अ क्रिस्टल क्रिस्टल वैक्यूम. स्पेस कहाँ लेते हैं? अगर वो ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर आ रहे हैं तो स्पेस तो वो कम ही ले रहे हैं. स्पेस तो ज्यादा एनाइन ले रहे हैं. जो वाइड में आ गया उसने थोड़ी ना स्पेस ली, उसने तो छोटी चीज ली. तो केटाइन तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादा स्पेस लेते हैं. एनाइन बड़े होते हैं, एनाइन ज्यादा स्पेस लेते हैं. गॉट द पॉइंट? सो नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी इज 68%. बिल्कुल सही है कि पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी की 68% है. रीजन, 68% इज मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी. नो, 68% मैक्सिमम नहीं है. हम एफसीसी में कितनी करते हैं? 74%. नाउ नेक्स्ट असर्शन, फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट. क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट में? इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट. यही होता है ना कि लैटिस पॉइंट में से ए और बी लैटिस पॉइंट है तो उसमें से मिस करके कहां पे जाते हैं? एम्प्टी स्पेस पे. तो हम कहते हैं डेंसिटी रिमेन द सेम. तो डिसलोकेशन हुई अपनी पोजीशन से, जो मेन लैटिस साइट है उससे हटके वो सेंटर में आ जाते हैं. तो डिसलोकेशन डिफेक्टिव हुआ. ये शॉर्ट की पे तो गायब ही हो जाते हैं. यहाँ पे एक जैसे अगर केटाइन अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड पे आ जाएगा, ये नाइन अपनी पोजिशन छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड पे आ जाएगा. जो छोटी चीज है वो ही आएगी वॉइड पे, तो केटाइन ही आएगा. फ्रेंकल डिफेक्ट में अपनी पोजिशन छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, तो डिसलोकेशन ही है. ये तो बिल्कुल सही है कि फ्रेंकल डिफेक्ट है, डिसलोकेशन डिफेक्ट है. रीजन, फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक क्रिस्टल इन विच केटाइन एंड एनाइन आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ये वो शॉर्ट की शो करता है. फ्रेंकल में तो साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, शॉर्ट की में तो गायब हो जाता है. फ्रेंकल में अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टीशियल साइड पे आता है, तो जो छोटा होगा वही आएगा. अगर केटाइन बहुत छोटा होगा और एनाइन बहुत बड़ा होगा, छोटी चीज आ जाएगी. ठीक है, इसका मतलब हमारा रीजन गलत है और हमारा जो है असर्शन बिल्कुल सही है. अब जरा एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देख लो. राइट डाउन करोगे इतना बड़ा, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको. सुन लो क्वेश्चन, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी. द एग्जेक्टिव क्रिस्टलाइन, द एग्जेक्टिव क्रिस्टलाइन व्हेन अप्लाइज टू सॉलिड्स इम्प्लाइज एन आइडल क्रिस्टल इन विच स्ट्रक्चरल यूनिट
term as unit cell are repeatedly, regularly, and definitely in three dimensional in space. कहते जब हम किसी को क्रिस्टलाइन टर्म देते हैं, एग्जेक्टिव क्रिस्टलाइन देते हैं, ये किसके लिए होता है? सॉलिड्स, उन सॉलिड्स के लिए होता है जो कि एक आइडियल क्रिस्टल की तरह वर्क करते हैं. मेन मेन पॉइंट्स में लिख देती हूँ पैराग्राफ के, आइडियल क्रिस्टल की तरह वर्क करते हैं. अब आइडियल क्रिस्टल क्या है? जिसमें यूनिट सेल्स हैं, जिसमें यूनिट सेल्स हैं, जिसको हम रिपीट करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस पे, तो हमें कंप्लीट लैटिस मिलता है. ठीक है. द यूनिट सेल कंटेनिंग एट लीस्ट वन मॉलिक्यूल हैज डेफिनेट ओरिएंटेशन एंड शेप डिफाइंड बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी सी. तो जो ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ये डिफाइन करे जाते हैं इन वेक्टर से जिन्हें हम ए बी सी कहते हैं. बिल्कुल सही. यूनिट सेल देयरफॉर हैज डेफिनेट वॉल्यूम दैट कंटेन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर जनरेटिंग द क्रिस्टल. एक यूनिट सेल का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल प्लेस करे जाते हैं कि हमें एक पूरा क्रिस्टल मिल जाए. ठीक. ईच क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाई एज द मेंबर ऑफ वन ऑफ द सेवन पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम. हर एक क्रिस्टल, हमने कितने क्रिस्टल सिस्टम करे? सेवन क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिसके 14 ब्रेविस लैटिक्स बनते हैं. ठीक है. तो एवरी क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाई, ये सेवन क्रिस्टल सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, ठीक, जिनकी एक इंडिविजुअल डायमेंशन होती है ए बी सी हर क्रिस्टल सिस्टम का, और हर क्रिस्टल सिस्टम का एक एंगल होता है अल्फा बीटा एंड गामा. द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन क्रिस्टल मे बी असाइन टू वन ऑफ द सेवन क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है. जो स्ट्रक्चर है एक क्रिस्टल का, ये सेवन जो क्रिस्टल सिस्टम करते हो आप, करते हो है ना, क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, ये सारे जो करते हो, ये जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम करते हो, वो किसका पार्ट होते हैं? 14 ब्रेविस लैटिक्स का. और जो ग्रुप करे गए हैं 230 स्पेस ग्रुप में बने हुए हैं. दिस यूनिकली डिफाइंड पॉसिबल वे ऑफ अरेंजिंग एटम इन थ्री डायमेंशनल सॉलिड बेस्ड ऑन These observation, कहते जी सेवन क्रिस्टलाइन सिस्टम है, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, टेट्राइडल, हेक्सागोनल, रोम्बिक एंड क्यूबिक. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन, कहते अगर ए की डायमेंशन 0.387 नैनोमीटर है, बी की डायमेंशन 0.387 नैनोमीटर है, और सी जो है वो 0.504 है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, तो ये क्या होगा? हेक्सागन. बस सिंपल, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. मगर ये भी देखो, ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री एंड गामा इज 120. द यूनिट सेल विद द क्रिस्टल गिवन बिलो रिप्रेजेंट. अब ये यूनिट सेल गिवन है आपको, जिसके कहते हैं जी एंगल सबके 90 है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है. ये यूनिट सेल कौन सी है? ऑप्शन दिया है क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल. हाँ जी, क्यूबिक, क्योंकि सारे के सारे क्या है 90 डिग्री. सो सिंपल. इन अ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में क्या होता है?
कुछ भी इक्वल नहीं होता, ए इज इक्वल टू बी नहीं होता, बी इज इक्वल टू सी नहीं होता, और अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होता 90 डिग्री के, दैट इज अ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। द यूनिट सेल विद डायमेंशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी इज अ यस टेट्रागनल, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। SNO2, KNO3, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आंसर है इसका पोटेशियम नाइट्रेट। उसमें ऐसे अरेंज होगा जैसे ऑर्थोरोम्बिक में, जो एग्जाम्पल दी ना एनसीईआरटी में, तो वो भी कर लो इसका मतलब चार्ट।